हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। और आज मैं करने वाला हूँ ब्रोकली की सीडलिंग, और इसे मैंने ऑफलाइन लिया हुआ था। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था कि अगर आप चाहें तो omax.com से, या फिर इनकी साइट है omaxhybridseeds.com है, तो यहाँ से आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। या फिर मैं नंबर दे दूंगा एक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको मैक्स पे नहीं ले पाते हैं आप, तो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। और इसी के आज मैं करने वाला हूँ सीडलिंग, और सबसे पहले इसका रैपर हम कट कर लेते हैं। ये है ब्रोकली के सीड्स, कुछ सरसों के दाने की तरह हैं ये। तो फटाफट पहले रैपर में रख लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं पॉटिंग मिक्स हमें क्या रखना है। पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया हुआ है लगभग 60% के करीब कोको पीट है, 30% के करीब है हमारा सैंड, और लगभग 10% के करीब है हमारा वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सचर, पॉटिंग मिक्स हमारा रेडी हो चुका है, और अब फटाफट लेंगे एक दूसरा पॉट लेंगे जिसमें हमें इसकी सीडलिंग करनी है। प्लास्टिक का ही मैंने पॉट लिया हुआ है, और इसके ड्रेनेज होल पे हम रख देंगे पत्थर के कुछ टुकड़े। और इसके बाद अपने पॉटिंग मिक्स को इसमें फिल कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर एक बार पानी का स्प्रे कर देंगे, जिससे हमारा जो पॉटिंग मिक्स है हल्का सा मॉइस्ट हो जाए। फिलहाल कोकोपीट में ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्चर था, उसके बाद भी हम इसके ऊपर हल्का सा पानी डाल देंगे जिससे मॉइस्चर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। इसके बाद हम इसमें किसी स्टिक की हेल्प से पतली पतली लाइनें बना लेंगे जिसमें हमें अपने सीड्स को अंदर डालना है, और एक एक दाने करके इसमें डालते जाएंगे। इसके बाद हल्के से इन्हें बराबर कर लेंगे। और हमने जो पॉटिंग मिक्स हमारा बचा हुआ है, इसी को ऊपर से बहुत पतली लेयर इसे बना देंगे कि हमारे सीड्स जो है वो कवर हो जाए, लेकिन बहुत अंदर न जाए। इसके बाद बहुत हल्के से इस पे वाटर स्प्रे कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्के से करना है। और इसे ऐसे जगह पे रख देंगे जहाँ पे मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट मिल जाए, उसके बाद ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे दिन भर आती रहे। फ्रेंड्स, आज ब्रोकली की सीडलिंग के हुए 3 दिन हो चुके हैं, और 3 दिन के बाद मुझे इसमें स्प्राउट्स नज़र आने लगे हैं। बिल्कुल बिगिनिंग पे है अभी स्प्राउट्स, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है स्प्राउट्स आने, जो कि टाइम के साथ साथ और धीरे धीरे अपने नंबर को बढ़ाते जाएंगे। बस आपको मॉर्निंग में 2 घंटे की सनलाइट देनी है। अगर आपको लगता है कि आपके पॉटिंग मिक्स में मॉइस्चर की कमी है, तो आप इसको मॉइस्चर भी दे दें। इतनी सी केयर के बाद आपको अच्छे अमाउंट में स्प्राउट्स मिल जाएंगे। लगभग जब 3-4 पत्तियाँ हो जाए, तो आप इनको निकाल करके जहाँ भी आपको शिफ्ट करना है वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा डेंसर का जो मैंने सीडलिंग की हुई थी। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा नंबर में स्प्राउट्स बाहर आ गए हैं। इसी तरह ब्रोकली में भी कुछ दिनों के बाद अच्छे नंबर्स में स्प्राउट्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।